ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने यहां शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों और क्या सुविधाएं विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही है इनका खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा है, जिसके लिए उन्होंने सत्ता में आते ही शिक्षा नीति वेबसाइट पर डाल दी है। उन्होंने बताया कि कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसमें राज्य सरकारों से भी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। सोलन में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सोलन में एक निजी कार्यक्रम में आए और उन्होंने यहां शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनकी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और क्या सुविधाएं वे विद्यार्थियों को प्रदान करने जा रहे हैं इस बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा है, जिसके लिए उन्होंने सत्ता में आते ही शिक्षा नीति वेबसाइट पर डाल दी गई है। उन्होंने बताया कि कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें राज्य सरकारों से भी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। वहीं इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वे सब कुछ छोड़कर गंभीरता से मंथन कर रहे हैं कि वे विद्यार्थियों को बेहतरीन आधारभूत ढांचा किस प्रकार उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के हर जिले में जल्द ही वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ सवाल जवाब भी कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी संस्कृत बोल पाए, इसलिए जल्द ही संस्कृत की लैब भी आरंभ करने जा रहे हैं। और प्रदेश में भी हम आजकल जो है सीरियसली हमने बाकी काम छोड़ करके कैसे हम बच्चों को जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। और वैसे भी सरकारी स्कूल में जाता हूँ, ICT लैब्स जो है वो सरकारी स्कूलों के पास है। हम प्रदेश में वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने वाले हैं, जो इसी वर्ष जो है वो ठाकुर जयराम जी ने अपने बजट भाषण में अनाउंस किए थे, जिसमें हम एक ज़िले में एक स्थान पर बैठ करके पूरे ज़िले के सीनियर सेकेंडरी या कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको वहीं से जो है वो टू वे जो है वो बातचीत के द्वारा जो है पढ़ाई कराएंगे। सारे स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन बोल नहीं सकते बच्चे, उसमें जो है स्पीकिंग भी जो है वो संस्कृत की बने, उसके लिए लैंग्वेज की लैब्स जो है शुरू कर रहे हैं।